Good morning, everybody. Today, once again, I'm here with you, and today I have taken question number 7 of brain teaser. इससे पीछे के जितने भी questions हैं, जितनी भी worksheet हैं, हम already कर चुके हैं. तो अब हम start करते हैं अपना next question, and the question is form the smallest 8-digit number using the digits. Digits are given to you. Also write number name in both system. So, what is our question? Form the smallest 8-digit number using these digits. It means you have to form smallest 8-digit number in सभी digits को use करके. क्योंकि आपने ऐसे ही same question third class में भी किए हैं, fourth class में भी किए हैं. And we know that whenever we have to form greatest or smallest number using the digits, what we have to do? अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और जब हमने स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. ठीक है, लेट अस चेक कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर क्या हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनता है. सो आई एम गोइंग टू राइट 0, 1, 2 देन 4, 5, 7, 8, 9. अब मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया है, पर क्या ये नंबर 8 डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बट यहाँ पे जो 0 है वो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है, और अगर 0 बिल्कुल लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब उसका यूज ही नहीं होता है. इट मीन्स ये कितना डिजिट नंबर बन गया? ये 7 डिजिट नंबर बन गया. लेकिन हमें क्या कहा है? वी हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. तो हम क्या करेंगे? हम 0 को एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड ना रखकर हम उसको नेक्स्ट प्लेस पे रखेंगे. आफ्टर 1 वी हैव टू राइट 0. सो हमारा नंबर क्या बनेगा? 1, 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9. इसके अलावा आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है नंबर बनाने की, आप बनाकर देखिए. लेकिन वो सभी नंबर जो है इस नंबर से बड़े होंगे. सो दिस नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. अब आफ्टर इट व्हाट वी हैव टू डू? आल्सो राइट नंबर नेम्स इन बोथ सिस्टम. बोथ मतलब हमने कितने सिस्टम्स पढ़े हैं? 2, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब आपको इसका नंबर नेम दोनों सिस्टम में लिखना है. तो पहले हम इंडियन में लिखेंगे. अब इंडियन में हम कैसे लिखते हैं? वी नो दैट इन इंडियन सिस्टम फर्स्ट प्लेस इज वंस एंड वंस हैव 3 प्लेसेस, देन 1000 हैविंग 2 प्लेसेस, देन लैक्स 2 प्लेसेस एंड लास्ट 1. सो वंस, 1000, लैक एंड करोड़. सो द नंबर नेम ऑफ दिस न्यूमरल इज 1,02,45,789. अब मैंने ये नंबर नेम बोल दिया है, यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ. ओके, अब हमने इसको दूसरा कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा लिखा हमने? दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. विच वन? इंडियन. नाउ वी हैव टू राइट डाउन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. मीन्स वी हैव टू राइट दिस नंबर इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो अगेन वी रीराइट द नंबर 1, 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9. नाउ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम फर्स्ट पीरियड इज वंस हैविंग 3 प्लेसेस, देन 1000, और 1000 के कितने प्लेसेस? अगेन 3, एंड द लास्ट वन इज मिलियन. मिलियन, 1000, एंड द लास्ट वन इज वंस. सो व्हाट विल बी इट्स नंबर नेम? बोलना है मेरे साथ, 10,245,789. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. राइट द सक्सेसर ऑफ. आपके ब्रेन टीजर में हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 8 के भी 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 9 के भी है 3 पार्ट. तो मैं कोई एक पार्ट करवा रही हूँ, बाकी 2 पार्ट जो है वो आप लोग अपने आप करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ. और आप सब जानते हैं, आप थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज सक्सेसर मीनिंग. सक्सेसर मीन्स वन मोर. मीन्स जो भी आपके पास नंबर दिया है उससे वन मोर करना है, वन ऐड करना है या उससे नेक्स्ट नंबर बनाना है. सिंस दीज आर वेरी लार्ज नंबर, तो समटाइम हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एक नेक्स्ट क्या नंबर आएगा बताना. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वन मोर मीन्स
we will add 1 to this number. And when we add 1 to this number, we will get our successor. So, when I have added 1 to this number, the successor of this number is 56,10,000. Similarly, predecessor. Predecessor means 1 less. 1 less. It means, आपको जो भी नंबर दिया है उससे 1 लेस करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर. आप इसके आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इफ यू हैव एनी डाउट आप रफ पार्ट में इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, सो वी कांट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, वी विल बोरो फ्रॉम 3. सो वी कैन राइट लाइक दिस 10 9 9 10. सो 10 लेस 1 9 9 9 2 4 6 5. So the predecessor of given number is 56,42,999. In this way you can do rest of the parts of question 8 and question 9. चलिए अब next question में आते हैं. This is the last question of this unit. The question is, find the sum of place values of 2 5s in this number. First of all, find the sum. Sum means you have to find addition. Means आपको add करना है. Sum का मतलब यहाँ पे add करना है. किसको add करना है? 2 5s. Place values of 2 5s. अब 2 5s कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये. उनकी place values को add करना है. So what is the place value of this 5? So check its place first. Ones, thousand, lakh, crore. So 1 crore. So place value of 5 is 5 crore. Now next 5. What is next 5? Ones, thousand. So its place is 1000, 10,000. So the place value of this 5 is 50,000. So arrange this number below the previous number and then we have to add. And after adding these numbers, we get our answer. And that is 5,50,000. So in this way, you can solve any such type of questions. So with this, we have completed our first unit. Thank you.